देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राज्यपालों, फिल्मी हस्तियों, संत महात्माओं समेत मीडिया कर्मियों को बांधा रक्षा सूत्र। इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व पर बीके बहनों द्वारा करीबन 1 करोड़ लोगों को परमात्मा प्यार की राखी बांधकर पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया गया। राज्यपालों, मंत्रियों, फिल्मी हस्तियों, संत महात्माओं समेत मीडिया कर्मियों को राखी बांधी गई। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की, जहां करीबन देश के 11 महामहिम राज्यपालों के साथ बीके बहनों ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और उनकी पत्नी लक्ष्मी को बीके बीना, विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नाजिर को बीके शांता, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को बीके रजनी और बीके सुनीता, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास को बीके लीना, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बीके राधा, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बीके अंबिका, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन को बीके रूपा, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर को बीके आशा, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बीके मंजू समेत अन्य बीके बहनों ने राखी बांधकर पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्रियों में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खंडू को, ईटानगर की प्रभारी बीके जुनू, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को बीके झांसी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को बीके शांता, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुखू को बीके रजनी और बीके सुनीता, साथ ही बीके सारिका, ओडिशा के सीएम मोहन चारण मांझी को भुवनेश्वर यूनिट 9 की प्रभारी बीके गीता, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को बीके मंजू और बीके शिखा ने राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज दहिसर ईस्ट में आनंद नगर सेवा केंद्र पर फिल्म अभिनेत्री महिमा मकवाना और उनकी लौकिक मां ने शिरकत कर राखी बंधवाई। दहिसर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विलास ने रक्षाबंधन पर्व का आध्यात्मिक महत्व समझा कर परमात्मा याद की राखी बांधी। मुंबई के चेंबूर में बीके प्रीति ने हरिद्वार से प्रेमानंद महाराज को रक्षा सूत्र बांधा, तो वहीं दिल्ली में विश्व जागृति मिशन के फाउंडेशन सुधांशु जी महाराज, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अर्चिका, भिवानी हरियाणा में संत कंवर साहिब जी महाराज को मुख्यालय से बीके अदिति ने राखी बांधी। बात करें मीडिया कर्मियों की, तो मुख्यालय की बीके अदिति ने आज तक, इंडिया टुडे और तक के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद, आज तक के सीनियर एंकर सैयद अंसारी, चित्रा त्रिपाठी, शशि शर्मा, न्यूज 18 इंडिया चैनल की कंसल्टिंग एडिटर रूबिका लियाकत, भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर उपेंद्र राय, इंडिया न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत, सुदर्शन टीवी चैनल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश चौहान के, न्यूज इंडिया टीवी चैनल के सीईओ और एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी, साधना टीवी चैनल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश गुप्ता, MH1 श्रद्धा टीवी नेटवर्क ग्रुप के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र बाटला, संत वाणी टीवी चैनल के डायरेक्टर सुरेश दयाल, जर्नलिस्ट हरीश चंद्र बरनवाल, सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह को भी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। आगे टी सीरीज की डायरेक्टर सुदेश दुआ, न्यूज नेशन चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलश्रेष्ठ, अमर उजाला न्यूज़पेपर के डिजिटल हेड GDP कार्निक, NDTV के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष कुमार, टीवी 100 न्यूज चैनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुरेंद्र गुप्ता, हिंदू लीडर नुपुर शर्मा को भी बीके अदिति ने तिलक लगाकर ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए राखी बांधी। इसी कड़ी में राजधानी में कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी से बीके सविता, तो वहीं आगे राज्य मंत्रियों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर लोकनाथन मुरुगन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, रेल मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को
ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके निकिता, बीके रजनी, बीके रेखा और बीके फलक ने राखी बांधकर अपनी किसी भी एक बुराई का दान करने का संकल्प कराया। इस अवसर पर बीके बहनों समेत बीके भीम, बीके राजेंद्र और बीके मदन भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। पानीपत के ज्ञानमान सरोवर रिट्रीट सेंटर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के पहुंचने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कृष्णलाल पवार, राज्य पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा, विधायक प्रमोद विज भी पहुंचे। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में हरियाणा के 9 जिलों से 3500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को ज्ञानमान सरोवर आगमन पर तपस्या धाम एवं पूरे कैंपस का विजिट कराया गया। इस कार्यक्रम के अंत में पानीपत सर्कल प्रभारी राजयोगिनी बी के सरला दीदी, ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बी के भरत भूषण ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। मंच पर कमिश्नर अमनीत कुमार, IAS मोनिका मलिक समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आप सबका आज इस पवित्र भूमि ज्ञानमान सरोवर ब्रह्म कुमारी ये विश्वविद्यालय इसमें आप लोग पधारे हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इस मौके पर आपकी बेटी हमारी बेटी जिस कार्यक्रम की शुरुआत इसी पवित्र भूमि से हुई है। आप ब्रह्म कुमारी आश्रम के सेंटर है हमारे जिला पानीपत में, महिपाल ढांडा हमारे भाई, इन्होंने हर सेंटर बहुत इमदाद की। हमारे विधानसभा में हर गांव में सेंटर है और ये बहुत अच्छा समाज के लिए काम करते हैं। और वेलुएशन एजुकेशन सेंटर जैसे इन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री को बताया 6-7 करोड़ की लागत से तकरीबन 600-700 रूम का सेंटर बढ़ेगा, तो इसलिए इस समाज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की ओर से CBI के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, ACB के कार्यालय के अधिकारियों के साथ साथ सभी कर्मचारियों को स्थानीय बीके बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर CBI ACB के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनीष बिरेश, अपर पुलिस अधीक्षक वैद्यनाथ सामल समेत कई बीके सदस्य भी मौजूद थे। इसी कड़ी में ओडिशा अग्नि आपदा प्रतिक्रिया एकेडमी में भी भारत के विभिन्न राज्य से आए हुए ऑफिसर्स को राखी बांधी गई। यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने रक्षा बंधन की प्रासंगिकता और उसका महत्व समझाया। उस सर्वोच्च रक्षक जिन्हें हम कभी भी बुलाते हैं, रोज भी बोलते हैं, बात करना हम जानते हैं, देयर इज एन ऑलमाइटी, द सोर्स ऑफ पावर, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्यूरिटी, ओशन ऑफ पावर, वो ही सर्वोच्च रक्षक है, भगवान कहलाता है। तो उनसे अगर हमारी नाता जुड़ी रहे तो हम सदा सुरक्षित रह पाएंगे। ये समय कहता है पहले हम अपनी जो रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लोर करके हम स्वरक्षक बने, ताहि हमारी परिवार की, समाज की, देश की, प्रकृति की और विश्व की रक्षक बन पाएंगे। जो रक्षाबंधन के महत्व के बारे में और उसके जो संस्कार है इसके बारे में बताया गया, उसका पीछे की जो भावना है, जो अभी के वर्तमान जीवन शैली में बहुत कम हो गई है, उसका हमें पुनः स्मरण हुआ है। जो हमें ध्यान कराया गया ये भी बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ है। UP हाथरस के तपस्या धाम द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर DM आशीष कुमार सहित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, वित्त एवं राज्य ADM डॉ. बसंत अग्रवाल, ADM न्यायिक SN शर्मा, OC कलेक्टर मनीष चौधरी, OC कलेक्टर नवनीत कौर, SDM राज बहादुर, महिला समाज कल्याण अधिकारी मोनिका गौतम एवं अन्य अधिकारियों को वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना ने राखी बांधकर व्यसनों को छोड़ने का संकल्प कराया। इस अवसर पर बीके बबीता भी मौजूद रहीं।
गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी बीके सदस्यों को आत्मस्मृति का तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा गया, तो वहीं निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके पुष्पा, बीके विजया की उपस्थिति में सभी ने अपनी किसी भी एक बुराई का त्याग करने का संकल्प लिया। ORC में वसुधैव कुटुम्बकम को दर्शाती हुई सुंदर 3D राखी भी बनाई गई। त्योहारों से नवचेतना का संचार होता है और सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है, यह बात कही रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने। दरअसल रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम में हुंडई मोटर्स के अमरजीत, वैज्ञानिक भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख संजय गुप्ता समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। सभी को पर्व की बधाई दी गई। तो बहने पहले तिलक लगाती हैं, दो सूत्र राखी का बांधती हैं, मुख मीठा कराती हैं और गिफ्ट लेती अथवा देती हैं। तो इन सब का सुंदर रहस्य है जो जीवन में हृदयंगम करने लायक है और सहजता से कर सकते हो। तो तिलक एक है निशानी और अर्थ, इसके 3 अर्थ सुनाते हैं। ये हाँ मस्तक के बीच में लगाया जाता है क्योंकि आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान है। छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में भावी भविष्य के पंडित, आचार्य, विद्वान और हमारे आदर्श भारत की संस्कृति और संस्कृत को बचाने वाले बच्चों के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यापीठ के प्रबंधक राजेश कुमार श्रीवास्तव, उपप्रबंधक गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव, प्राचार्य मनमोहन उपाध्याय, ध्यान शिक्षक प्रमोद द्विवेदी, आचार्य टीकाराम शर्मा, जय नारायण शुक्ला सहित 100 बच्चों ने भाग लिया। बीके रीना, बीके कल्पना ने सभी बच्चों को ज्ञानवर्धक एक्टिविटीज कराई। अंत में बीके आरती द्वारा सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। साधारण जीवन बहुत लोग व्यतीत करते हैं, लेकिन मुझे अपना जीवन साधारण रीति व्यतीत नहीं करना है, मुझे कुछ विशेष करके जाना है। भगवान ने मुझे विशेष कार्य के लिए क्या किया है, चुना है। आज हमको सबको ये ड्रेस पहनाई है ना, हमको भी दूसरी ड्रेस दी, आपको भी ड्रेस दी, तो ये ड्रेस भी हमारे लिए क्या है, विशेष है। आप सभी लोग ब्रह्म कुमारी से आई और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करके रक्षा सूत्र बांधा और कामना की कि उनके भविष्य में और उन्नति हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि परिवार की तरफ से। हमारी दीदी जी लोगों ने आकर के भविष्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, जीवन कैसे अच्छा बनेगा, वेद शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है जीवन में, लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है, इस विषय को लेकर के हमारे बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली सेवा केंद्र का गोल्डन जुबली समारोह धूमधाम से मनाया गया। बैंगलोर सब जोन प्रभारी बीके अंबिका के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यालय से बीके शांता कृष्णा, MLA मोहम्मद सज्जन भाषा, सब कलेक्टर, DSP समेत कई लोग कार्यक्रम का हिस्सा बने एवं सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नए सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। वहीं अतिथियों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मावती ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर राखी बांधी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।